वर्तमान में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए हैं और अब नगर पालिकाओं नगर परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें भी वायरल हो रही हैं। ताजा मामला उज्जैन के नागदा से सामने आया है। यहाँ नगर परिषद में दोनों दलों की परिषद बनाने की जोड़ तोड़ चल रही है। नागदा के यादव समाज के 4 नवयुवक बीजेपी के पार्षद चुनकर पहुंचे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर वर्तमान यादव समाज के कुछ लोगों के द्वारा खबरें फैलाई जा रही थीं। इन युवाओं में से किसी एक को उपाध्यक्ष बनाने की खबर भी वायरल हो रही थी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी नागदा मंडल के अध्यक्ष सीएम अतुल सहित यादव समाज के 4 पार्षदों ने इस खबर का खंडन किया है। आपको बता दें कि नागदा नगर पालिका परिषद के बीजेपी से 4 पार्षद इस बार नगर परिषद में चुनकर पहुंचे हैं। इसमें वार्ड नंबर 2 से गौरव गोपाल यादव, वार्ड नंबर 24 हाउसिंग बोर्ड से शैलेंद्र गिट्टू यादव, वार्ड नंबर 35 महतवास से सुमित गोलू यादव, वार्ड नंबर 29 उषा नरेश यादव को विजय प्राप्त हुई है। अब इनमें से कोई एक युवक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन सकता है, इस तरह की खबरें चल रही हैं, जिसका अब खंडन किया जा रहा है। बैठक रखी गई थी मंदिर का नवनिर्माण का कार्य का भूमि पूजन या जो कार्यक्रम था, लेकिन मैं कल उज्जैन था दर्शन पर। जो वार्ड की महिलाएं थी उनका मेरा कमिटमेंट था कि भाई जीतने के बाद मैं आप लोगों को ले चलूँगा, तो मैं उनके साथ उज्जैन देव दर्शन पर था। फिर रात्रि में नागदा 10 बजे, उस कारणवश में वहाँ जा भी नहीं पाया। अगर मैं नागदा होता तो वहाँ जाता, क्योंकि एक समाज का कार्यक्रम था। और रही बात तो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दिया, जो चीज़ हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकता था, मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के सिम्बोर्ड पर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मुझे दिया तो मैं पार्टी के खिलाफ या संगठन के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, कोई बेटा अपनी माँ के खिलाफ जाएगा नहीं, और ना ऐसा हम सपने में सोच सकते। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वोपरि है, हम जीवन भर ऋणी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की। आज उसने हमें इस मुकाम पर पहुँचा। वो देव पूजन बैठक थी और समाज की आगे की जो रूपरेखा तय करने के लिए बैठक रखी गई थी। इसमें राजनीतिक बैठक किसी प्रकार की नहीं थी, ना किसी पार्षद की कोई इच्छा थी किसी प्रकार का कोई राजनीतिक उसमें समावेश करे। हम सभी पार्टी के साथ हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम 4 पार्षदों को यादव समाज से टिकट मिला है। कल यादव समाज का मंदिर देवनारायण मंदिर जो महतवास में है, वहाँ पे समाज की एक बैठक हुई थी, जिसमें वह प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति को लेकर के समाज के वरिष्ठ लोग भी वहाँ पे सब लोग उपस्थित थे। पर वहाँ पे इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं की गई कि जिस प्रकार से उपाध्यक्ष हो रही, इस तरह से जो मामला आज दैनिक भास्कर में जो खबर लगी, उस तरह से ऐसा किसी भी पार्षद ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने नहीं कहा। ऐसी राजनीतिक कोई बात नहीं थी जी, ये सब गलत है, हमारी सब लोगों की खराब करने के लिए है। जबकि बिट्टू गया तो वहाँ उपस्थित भी नहीं थे, ये कुम्हार थे और इनका भी नाम उसमें आया है। क्योंकि और उषा आंटी जो है वो हमारे यहाँ पर ऐसा है कि मंदिर होटले पर कोई महिला आती नहीं है, तो वो दूर थे, वो तो वहाँ चल रहा था, वहाँ थे भी नहीं, उपस्थित नहीं थे, और उनका भी नाम लेकर ऐसा कहा है। तो ये सब गलत है, इसका हम सब खंडन करते हैं।